हेलो अ वेरी अम वेलकम टू यू ऑल इन दिसकस अबाउट ऑफ सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज इन प्राइवेट कंपनी कंपनीजली इशू ऑफ सिक्योरिटीज इन पब्लिक कंपनीज एज पर सेक्शन ट्वेंटी 1 पब्लिक कंपनी किस किस तरह से अपने शेयर्स को या अपनी सिक्योरिटीज को, को इशू कर सकती है नंबर टू पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टर्स यानी कि पब्लिक ऑफर पब्लिक कंपनीज अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को इश्यू कर सकती है थ्रू प्रोस्पेक्टर्स मींस कंपनी अपना प्रोस्पेक्टर्स इशू करती है जनरल पब्लिक को किस लिए इशू करती है अबाउट द इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज नो प्रोस्पेक्टर्स क्या होता है

कंपनी के प्रोस्पेक्टस में भी कंपनी की जन्म कुंडली लिखी होती है मीन्स कितने शेयर इशू हो रहे हैं किस प्राइस पर इश्यू होंगे कंपनी के क्या क्या फ्यूचर प्लान्स हैं क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहती है कौन कौन डायरेक्टर्स हैं, कौन मैनेजमेंट है उसी तरह प्रोस्पेक्टर्स में सब कुछ मेंशन किया जाता है और प्रोस्पेक्टस इसलिए इश्यू किया जाता है ताकि जनरल पब्लिक को ये पता लग सके कि ये कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को इशू करने वाली है और यह सभी इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में इसलिए मेंशन होती है ताकि जो इन्वेस्टर्स हों वो एक डिसीजन ले पाए कि उनको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है प्रोस्पेक्टर्स कई टाइप्स के होते हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो क्स्ट इज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है इसमें जो सिक्योरिटी इशू किया जाता है वो जनरल पब्लिक को नहीं किया जाता है या उनको फंड की रिक्वायरमेंट होती है और वो प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहते हैं मीन्स जिनपे उनको कॉन्फिडेंस होता है कि ये हमारे शेयर्स खरीद के कंपनी में फंड लगा देंगे तो कंपनी उन्ही को शेयर इशू करती है इन्विटेशन फॉर सब्सक्रिप्शनिटीज टू सिलेक्टेड प्लेसमेंटर लेटर कंपनी इंडिविजुअली शेयर को इशू करती है या सिक्योरिटीज को इशू करती है हम सिक्योरिटीज वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कंपनी शेयर्स भी इशू कर सकती है और डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है इसीलिए वर्ड सिक्योरिटीज यूज होता है नेक्स्ट इज थ्रू राइट इशू इशू नाउ व्हाट इज इज राइट राइट इट द ऑफ शेयर होल्डर्स दैट इफ कंपनी इज इशूइंग न्यू शेयर्स देन इट विल ऑफर न्यू शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स मीन्स ये राइट right होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का की जभी भी कंपनी न्यू शेयर्स को इश्यू करेगी तो सबसे पहले वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर देगी उन शेयर्स को परचेज करने के लिए और किस तरीके से देगी इन प्रपोर्शन ऑफ शेयर्स दे ऑलरेडी होल्ड मीन्स जितनी परसेंटेज में उन्होंने शेयर्स होल्ड कर रखे हों उतने ही परसेंटेज के हिसाब से उनको ऑफर दिया जाता है टू सब्सक्राइब शेयर्स नेक्स्ट इज थ्रू बोनस इशू मीन्स अगर कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करना चाहती है एंड दैट टू इन दोनस तो कंपनी इशू कर देती है उनको एडिशनल शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड बोनस इशू मीन्स जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर इशू करती है उसको हम बोलते हैं बोनस इशू और ये बोनस इशू होता है इन प्रपोर्शन टू देर एग्जिस्टिंग होल्डिंग मींस जितनी भी शेयर होल्डर्स की एग्जिस्टिंग होल्डिंग है उसके बेसिस पे जितना भी कंपनी चाहे वो इशू कर सकती है वन फॉर एवरी फाइव तो यहाँ पर हर शेयर होल्डर जिसपे फाइव फाइव शेयर मीन उसके हर फाइव शेयर पे उस शेयर होल्डर को एक शेयर एज अ बोनस शेयर दिया जाएगा Now, if suppose, किसी कंपनी में टू लाख ,00 शेयर्स ऑलरेडी इशूड है और कंपनी इशू करने वाली है बोनस शेयर तो कंपनी कितनेप्लाई बाई वन डिवाइडेड बाई फाइव विच इज इक्वल टू फोर्टी थाउजेंड शेयर्स और उसके बाद जो टोटल शेयर्स हो जाएंगे कंपनी में आफ्टर बोनस शेयर्स वो हो जाएंगे टू लाख जो एग्जिस्टिंग है Plus 40, 000, जो बोनस के में में फॉर्म हुए हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बोनस इशू होते हैं या बोनस शेयर्स दिए जाते हैं वो होते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट ऑन रिजर्व्स ऑफ द कंपनी सो रिजर्व इन सप्लस जो होते हैं कंपनी के वो कन्वर्ट हो जाते हैं इंटू इक्विटी शेयर कैपिटल और यहाँ पर कोई भी कैश इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता है क्योंकि ये शेयर्स दिए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट न इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज इन प्राइवेट कंपनीज एस पर सेक्शन 23 थ्री सबसेक्शन टू अब प्राइवेट कंपनीज अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक में इश्यू नहीं कर सकती है प्राइवेट कंपनीज अपना प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है प्राइवेट कंपनीज को अगर फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी तो वो किस तरह लेंगे या तो वो बैंक से लोन लेते हैं या फिर अपनी सिक्योरिटीज को इशू करते हैं अब क्यूँकी वो जनरल पब्लिक में इशू नहीं कर सकते तो प्राइवेट कंपनी के पास कौन से मोड्स रह जाते हैं सिक्योरिटीज इशू करने के वन बाय वे ऑफ राइट इशू या बोनस इशू या फिर थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट I have given an overview of these issues in this video. We will have a detailed discussion of each issue in further videos. Thank you so much for watching this video. In the next video, I am going to share the types of prospectors a company can issue. So, stay connected and keep learning.